हेलो फ्रेंड्स, यहाँ है 1 किलो पोर्क मीट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अदरक और लहसुन है और मैंने पोर्क को पीस कर दिया है। आइए बनाते हैं। और यहाँ पे जाएंगे 2 चिल्लीज, बड़े बड़े ग्रीन चिल्ली है। और ये है चाइव्स के रूट ड्राई किया हुआ। और यहाँ है पानी गरम। और सबसे पहले नमक डालूंगी, डाल रही हूँ। और फिर चाइव्स के रूट्स है। और उसके बाद 2 बड़े ग्रीन चिल्ली। और फिर ये है अदरक। और यहाँ है लहसुन। सबको उबलने देते हैं। आप देख सकते हैं उबल रहे हैं। और इस समय मैं डाल रही हूँ मीट को, पोर्क मीट को। और कुछ 45 मिनट्स तक मैं बॉईल करूँगी इसको। और कलर के लिए यहाँ पे है ये लाल मिर्च। और फिर यहाँ पे जाएंगे टमेटो, एक बड़ा टमेटो लिया है, इसको चॉप करके डाल देंगे। और उबलने देते हैं। देखिए इतना सुंदर से उबल रहा है यहाँ पे। और इस समय मैं डाल रही हूँ चॉप टोमेटो। देखिए इतना सुंदर से उबल रहा है अभी यहाँ पे। और यहाँ पे 2 ग्रीन चिल्ली मैंने डाला था, इसको निकल के मैश करेंगे। उसके बाद फिर मैश करने के बाद में यहाँ पे डाल दूंगी। आप चिल्ली को आपका हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं मिर्चा को। और आप देख सकते हैं यहाँ पे है चाइव्स के रूट्स। तो ये चाइव्स के रूट्स को जब हम बॉयल सब्जी में मीट में डालते हैं तो शायद पेट दर्द ये सब होना नहीं होता है। और इस समय पे मैं फर्मेंटेड बैम्बू शूट डाल रही हूँ। देखिए और फिर इसको ढक के उबलने देंगे। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है ये सब्जी, ये मीट पोक के। और एक दोस्त के साथ खाएंगे इसको। आप देख सकते हैं वाह। थोड़ा सा और उबलने देते हैं। देखिए पानी भी कम हो गया और थोड़ा कलर भी अच्छा आ रहा है सुंदर से। ये है हमारा अरुणाचल का बॉयल सब्जी। हम लोग इस तरह ही बॉयल करके खाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा है और उसके बाद में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बाउल पे मैंने निकाला। और फिर यहाँ पे है मेरा प्लेट।
यहाँ है सिंचर और यहाँ है दाल और यहाँ है हमारा पॉक मीट और यहाँ पे है आप देख सकते हैं टेस्टी टेस्टी टेस्टी।